फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी गुप्ता आज आपके लिए लेकर आई हूँ बथुए के स्वादिष्ट कटलेट। तो आज हम बनाएंगे बथुए के स्वादिष्ट कटलेट। आइए मैं इसकी रेसिपी बताऊंगी और इंग्रेडिएंट्स। ये चॉप किया हुआ धुला हुआ बथुआ, इसको मैंने अच्छे से इसकी लकड़ियाँ साफ करके इसको पत्ते पत्ते लेके मैंने इसको चॉप कर लिया है। इसको आपको भी बनाने से 15-20 मिनट पहले ही धो के रख देना है। और बेसन चाहिए एक कटोरी, रेड चिली पाउडर चाहिए, नमक चाहिए, हींग पाउडर चाहिए, और ये है जिंजर और गार्लिक चॉप किया हुआ जिंजर और गार्लिक। देखिए मोटा मोटा चॉप करना है, पीसना नहीं है। ये ग्रीन चिली दो, तलने के लिए मस्टर्ड ऑयल और बॉईल करने के लिए पानी। ये हो गए हमारे इंग्रेडिएंट्स। चलिए अब हम तैयार करते हैं बथुए के कटलेट। इसको सबसे पहले, जब तक हम और तैयारी करें, हम पानी को बॉईल करने के लिए रख देंगे। ये हमारा उबल जाएगा। जब तक हम इधर तैयारी करते हैं इसको रख देंगे, पानी बॉईल होगा। एक बाउल में हमें बथुआ ले लेना है। बथुए को बनाने से 15-20 मिनट पहले धो के रखना है स्ट्रेनर में, इससे इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। इसमें बेसन डालना है, नमक स्वाद के अनुसार, रेड चिली पाउडर, हींग, बस अभी इसमें इतना ही डालना है। और धीरे धीरे इसको इस तरह से मिक्स करना है, पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। इसी तरह से आप मिक्स करते रहेंगे तो ये अपने आप गीला हो जाएगा, पानी की इसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए मैंने मिक्स किया है इसको, अब ये गीला इस तरह से बन गया है, ये बाइंड होने लगा है। अब हम इसके रोल बना लेंगे, इस तरह से इसके रोल बना लेंगे। पानी को भी चेक कर लीजिए उबल रहा है या नहीं, अभी नहीं उबला है। इस तरह से रोल बनाकर रख लेंगे। बथुआ सर्दियों में जरूर खाना चाहिए, और बच्चे हमारे बिल्कुल भी बथुआ खाना पसंद नहीं करते हैं। अगर आप उनको इस तरह से कटलेट बनाकर खिलाएंगे तो वो जरूर खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। शाम को चाय के साथ आप भी खा सकते हैं, बड़े लोग, सभी लोगों को बहुत पसंद आएंगे। ये देखिए इस तरह से बना के रख लीजिए। हमारे सारे रोल बनकर तैयार हो गए हैं। ये मैंने इसी तरह से गोल गोल करके रोल बना लिए हैं, और पानी भी हमारा देखिए बॉयल होने लगा है। अब हम ये धीरे से इसमें सभी रोल बॉयल वाटर में छोड़ देंगे। ये देखिए छोड़ दिए हैं। अब ये जब बॉयल हो जाएगा तो ये अपने आप ऊपर आ जाएंगे, यही इसकी पहचान है कि ये बॉयल हो गए या नहीं। इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक देते हैं। 5 मिनट में ये बिल्कुल हमारे बॉयल होकर तैयार हो जाएंगे। देखिए ये हाई फ्लेम पर ही बॉयल करनी है। देखिए इसको फ्लेम स्लो नहीं करनी है, इतने अच्छे से ये बॉयल हो रहे हैं। इसको आप चेक कर लीजिए, इस तरह से चला भी सकते हैं, बहुत ही हल्के हाथों से चलाना है, टूटना नहीं चाहिए। अभी इसमें 5 मिनट और लगेंगे। जब ये बॉयल हो जाएगा रोल तो पानी के ऊपर अपने आप आएगा। देखिए पहले मैंने जब डाले थे तब ये बिल्कुल नीचे बैठ गए थे, अब ये ऊपर आने लगे हैं। देखिए ये बॉयल हो गए हैं, मैंने आपसे पहले ही बताया था ये बॉयल हो जाएंगे तो ये पानी के ऊपर आ जाएंगे। और ये देखिए अब हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं, अपने आप ऊपर आ गए हैं। अब हम इनको बाहर प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से निकालेंगे। और एक मैं इसका आपको की पॉइंट बताती हूँ, ये जो आपका पानी है या इसे आप वेस्ट नहीं करिएगा, इसको आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। आप अगर सब्जी बना रहे हैं उसमें डाल सकते हैं, दाल में डाल सकते हैं। और सबसे अच्छा इसका यूज है कि आप इस पानी को
आटे के साथ मिक्स कर सकते हैं, आटा गूंदे तो इस पानी का यूज करें। ये पानी बहुत ही न्यूट्रिशियस है, इसमें सारे बथुए के न्यूट्रिशन वैल्यू आ गए हैं। तो इस पानी को फेंकिएगा नहीं, इसको जरूर यूज करिएगा। आटा गूंद लीजिएगा या दाल में डाल लीजिए। इसको हम ढक देंगे और इसको हम 5 मिनट के लिए रोज को ठंडा होने देंगे। देखिए ये रोल अब हमारे ठंडे हो गए हैं, अब हम इनको कट कर लेंगे। थोड़ा गर्म है, जैसे ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ये एकदम आराम से कटेगा। नहीं गरम बिल्कुल ना काटिएगा, जब ठंडा हो जाए तभी काटिए, तो ये बिल्कुल ठीक से कट जाएंगे। इसी तरह हमें सारे रोल्स काट लेने हैं। ये सारे रोल्स कट गए हैं, अब हम इनको फ्राई करेंगे। चलिए पैन गरम करते हैं। ऑयल डालेंगे, मस्टर्ड ऑयल का यूज कीजिए तलने के लिए। मस्टर्ड ऑयल हेल्थ के लिए अच्छा होता है, रिफाइंड ऑयल मैं नहीं यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं आपको भी बता रही हूँ, मस्टर्ड ऑयल में ही तलिएगा। ऑयल को गर्म होने देंगे। ये देखिए ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें गार्लिक डालेंगे। जिंजर, ग्रीन चिली, इसके साथ जो हमारे कटलेट हैं उनको भी मैं डाल दूंगी। ग्रीन ग्रीन कटलेट सर्दियों में चाय के साथ मजा आ जाएगा। इसी तरह हमें इनको चला के दोनों तरफ से सेक लेना है। ब्राउन हो जाए तभी हटाइएगा गैस से। इस तरह से इनको स्प्रेड कर देंगे और दोनों तरफ से ही सेकेंगे। इसी तरह से हमें ये पलट पलट के दोनों तरफ से सेक लेना है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसमें जीरे का प्रयोग कर सकते हैं। जीरा तो हर किचन में मिलेगा, भारतीय किचन में, तो आप जीरे का भी प्रयोग कर सकते हैं। हींग और जीरा डालिएगा, लहसुन नहीं डालिएगा। अगर आपको नहीं पसंद है कोई बात नहीं, लेकिन कटलेट हर तरह से बन सकते हैं। ये देखिए हमारे कटलेट बिल्कुल अब तैयार हो गए हैं, ब्राउन हो गए हैं, करारे क्रिस्पी। अब बस इनको सर्व करना है। इसी तरह से चला के हम दोनों तरफ से सेक लेंगे, जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। आपको पता चल जाएगा कि ये क्रिस्पी हो गया है। और देखिए मैं आपको एक दिखाती हूँ, ये देखिए ये कुरकुरा कुरकुरा क्रिस्पी हो गया है। इसको आप अब सर्व कर सकते हैं, ये बिल्कुल तैयार है। ये अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। आप इसको हरे धनिए की चटनी या टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। शाम को चाय के साथ बड़ा ही बढ़िया नाश्ता है ये, हेल्दी। मेन पॉइंट हेल्दी है ये बहुत ही। चलिए ये लीजिए आपके लिए सुंदर, देखने में सुंदर, क्रिस्पी और क्रिंची। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।